नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि लैपटॉप में F1 से लेकर F12 तक बटन दिया रहता है, इसको कहते हैं फंक्शन की। बहुत सारे लोग होंगे उनको मालूम होगा, बहुत सारे लोग होंगे उनको मालूम नहीं होगा। अगर आपको नहीं मालूम है ना तो पूरे वीडियो के लास्ट तक बने, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कंप्यूटर का जो है ये कीबोर्ड है, ये या लैपटॉप में लगा लीजिए, कहीं लगा लीजिए। इस पर देखिए स्टार्ट करेंगे ना, ये शुरू से जो है ये की दिया F1 F2 F3 F4 F5। बहुत सारे लोग नहीं मालूम उनको होगा, तो बताता हूँ इसी बार में डिटेल से। इसमें बहुत सारे की 1 से लेकर 12 तक दिए होते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको F1 से लेकर F6 के बारे में बताऊंगा, फिर F7 से लेकर F12 के अगले वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा मैं। देखिए ये है, तो ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं इसके ऊपर देखिए, ये सिंपल जो है F1 दिया, F2 दिया, F3 दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई जो है फंक्शन की नहीं है। लेकिन हमारा जो लैपटॉप दिया हुआ है, ये लैपटॉप है ये, और लैपटॉप में देखेंगे ये, और लैपटॉप में देखिए ये F1 के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क साइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दिया ना, ये अलग दो बटन दिए हुए, जिसके साथ में लैपटॉप में आपको एक बटन मिल जाएगा फंक्शन की, जहां हमको दूसरे वाले की का इस्तेमाल करना है। फंक्शन की के साथ प्रेस करेंगे दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली बताता हूं F1 से लेकर F12 तक के, F6 के बारे में। देखिए दोस्तों, और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड देखना आपका पसंद है ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जब हम कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, F1 जो की होता है, मैं कीबोर्ड के इसको अलग रख देता हूं, मैं लैपटॉप पर बताता हूं, क्योंकि लैपटॉप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो F1 की दिया हुआ था फंक्शन की अंदर, इसका काम होता है हेल्प। मतलब मान लीजिए कुछ भी आपको जो है हेल्प चाहिए किसी बारे में, ऐसे मान लीजिए कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा, इसको हम क्लिक कर लेते हैं और इसको हम खोल लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक कर लिया हमने। अब देखिए कुछ भी हमको टाइप करना, हम टाइप कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ हेल्प चाहिए इसके बारे में जानने के लिए, हम सिंपल जो है इसको देखिए, ये देखिए बड़ा इसको कर ले, कुछ भी हम टाइप कर लेते हैं, मतलब जान लीजिए ये हमने टाइप किया, छोटा है तो बड़ा कर लेता है, आपको देखिए एकदम, तो इसको हम यहाँ से हमने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, अभी बड़ा कर लिया। अब चाहते हैं इसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए हमको, क्या है क्या नहीं है, तो F1 देखिए पूरा F1 इसके बारे में हेल्प आ गया। अब गेट स्टार्टेड क्या क्लिक करना है आपको, इसके बारे में जानना है, कोलबरेट क्या होता है, मतलब इसके रिलेटेड जो है हेल्प होता है, ये आपको हेल्प मिल जाएगा। तो एक ये हो गया, इसको हेल्प चाहिए। अब मान लीजिए आप गूगल क्रोम में काम करते हैं, किसी और वर्जन जैसे गूगल क्रोम है, ये इस पर क्लिक करते हैं, इस पर काम कर लीजिए, इसका कुछ हेल्प चाहिए, तो फंक्शन की दिया हुआ ना, फंक्शन की के साथ में आप जो है F1 प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये गूगल क्रोम के बारे में कुछ जानना है, डाउनलोड इंस्टॉल क्रोम, क्रिएट मैनेज, दिख रहा ना, बहुत सारी चीज़ें, तो हेल्प के लिए हम F1 का इस्तेमाल करते हैं, समझिए इस बात को, समझे। F1 ये हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं F2 की, जो कीबोर्ड के अंदर लैपटॉप के इसके अंदर F2 दिया रहता है, ये F2, इसका हम बताते हैं क्या होता है। देखिए कभी कभी आप वर्ड पे एक्सेल पे काम करते होंगे, ये काम कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका आपको नाम चेंज करना है, या ऑप्शन ये है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, आप राइट क्लिक करके यहाँ जाकर नाम रीनेम कर सकते, सो मोर ऑप्शन पे जाकर के यहाँ जाएंगे, रीनेम करके नेम कर सकते, या आप चाहते हैं इस वर्ड का नाम चेंज करना, आपको सिंपल F2 प्रेस कर दीजिए, F2 प्रेस कर दीजिए, ये इसके साथ में फंक्शन के साथ में F2 प्रेस कर दीजिए, और देखिए यहाँ पे ये खुल गया। अब यहाँ पे इसे बैकस्पेस इसको डिलीट कर दीजिए, अब यहाँ पे जोगेंद्र नाम लिखना है, जो भी नाम लिखना है यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं, देखिए नाम चेंज हो गया। इसी प्रकार से किसी करना है XXX का नाम चेंज करना है, तो F2 प्रेस करिए यहाँ पे, और इस पर क्लिक करके F2 प्रेस करिए, इसके साथ में F2 प्रेस कर दिया, यहाँ पे नाम दे करके यहाँ पे MAYANK मैंग कर दीजिए, हमने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। देखिए मैंग यहाँ लिख के आ गया, ये मैंग लिख के आ गया, ये हो गया। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको जो है जो आपने ये हमने मैंग फोल्डर खोल लिया, ओपन कर लिया, होल्ड कर लिया, अब चाहते हैं हम इसका प्रीव्यू देखना, मतलब प्रिंट आउट करेंगे उसके बाद कैसा दिखेगा ये, तो ये देखिए कंट्रोल के साथ में कंट्रोल बटन एक होता है, कंट्रोल बटन है, और कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखेंगे, होल्ड किए रखेंगे, और F2 को हम प्रेस कर देंगे, F2 को प्रेस कर देंगे, ये एक मेनू आ गया, ये बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं, मतलब ये आपको बोलता है प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं, इसके माध्यम से देख देंगे कि आप प्रिंटर में प्रिंट आउट करेंगे तो ऐसा आपका दिखेगा ये। तो F2 का दो ऑप्शन बता दिया आपको हमने, एक रीनेम करने के लिए, और दूसरा होगा कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो आप जाकर इसको जो है इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, दो काम हो चुका है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं कि F3 जो है, F3 जो कीबोर्ड में दिया था फंक्शन की के अंदर, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ये वर्ड खोल लिया, वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट ले लिया हमने, और यहाँ कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे माई नेम इज JOGENDR जोगेंद्र SAHANI टाइप कर दिया, इसको कंट्रोल ए कर कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट करके हमने कर लेते हैं। अब देखेंगे कि अब थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखे समाज से इसे, हमने इसको जो है इसको करके बड़ा कर लेते हैं, बड़ा इसको हम कर दिया हमने 24 कर दिया कि आपको दिखे साइज से 25 कर दिया, ठीक है। ये देखें, अब देख रहे हैं इसके अंदर माई नेम इज जोगेंद्र सानी, ये जो है M सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, लेकिन माई नेम इज जोगेंद्र सानी जो है लिखा स्मॉल लेटर में। आप चाहते हैं कि सबको जो है ये कैपिटल लेटर हो जाए, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए
और इसको आप सब सिंपल ऐसे करके इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट हो गया ये, और देखिए शिफ्ट बटन होता है एक, देखिए शिफ्ट बटन, ये शिफ्ट को प्रेस किए रखेंगे, फिर यहाँ पर जा करके F3 को प्रेस कर देंगे। आप देखिए, देखिए F3 को प्रेस किया, ये सब सब मायने में जोगिंदर सानी कैपिटल लेटर हो गया। फिर F3 को प्रेस करेंगे तो छोटा हो गया, देखिए बड़ा छोटा लेटर, जैसे कैसे हो गया ये, हम शिफ्ट को प्रेस किए हुए हैं, सेलेक्ट करने के बाद में F3 को प्रेस करेंगे तो छोटा बड़ा लेटर हो गया ये, ठीक है। तो ऐसे करके आपने मान लीजिए कि आपका चार पेज है, आपके पाँच पेज है, आप चाहते हैं कि कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में करने के लिए, तो आप शिफ्ट के साथ में F3 को प्रेस करेंगे तो ये काम कर सकते हैं, ये काम हो गया ये, समझे। तो F1 जान गए, F2 जान गए, F3 जान चुके हैं। अब देखिए F4 जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की एकदम है। F4 जो बटन दिया होता है ये, इसको आपको यूज़ करना है। तो एक ऑल्ट बटन है, ऑल्ट सपोर्ट में है, ऑल्ट के साथ में इसको बंद करना है, इस प्रोग्राम को बंद करना है। तो ऑल्ट के साथ में इसको F4 को प्रेस कर देंगे, देखिए ऑल्ट दबा हुआ है, F4 प्रेस कर देंगे तो पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव, बंद करने के लिए डोंट सेव, ये देखिए बंद हो गया ये। उसके बाद कुछ भी खोल लीजिए आप, है कुछ भी खोल लेंगे, ये खोला हुआ विंडो खोला हुआ है, तो ऑल्ट के साथ में देखिए कोने से नहीं काटेंगे, ऑल्ट के साथ में F4 को हम प्रेस कर देंगे तो ये देखिए बंद हो गया। कुछ भी चीज़ें जैसे ये कोई फोल्डर खोल लीजिए आप, है उसको ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाता है। इसको हमने सिक्योर कर रखा है इसलिए नहीं खुल रहा है ये। तो इस तरीके से आप देखिए ये वाला फोल्डर है TT, इसको हमने क्लिक किया ऑल्ट के साथ में F4 प्रेस कर दिया तो ये देखिए बंद हो गया ये। ये इसी प्रकार से आप चाहते हैं शॉर्टकट की यूज़ करना तो ऑल्ट के साथ में देखिए ये F4 प्रेस किया हमने तो आ गया लैपटॉप को बंद करने के लिए ऑप्शन है, ऑल्ट प्रेस किया ओके कर देंगे तो लैपटॉप हमारा बंद हो जाएगा ये, समझ गए, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम F5 के ऊपर। F5 के बारे में सब जानते होंगे, F5 कौन सा की होता है, देखिए ये F5 जो बटन दिया हुआ है साथ में F5 प्रेस कर देखिए ये हम आपको ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहा है फंक्शन की है साथ में, क्योंकि दो बटन ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने दिया हुआ है तो फंक्शन की के साथ में इसको हम प्रेस करेंगे, देखिए ये F5 जो है ब्लिंक कर रहा है, मतलब रिफ्रेश कर रहा है। जानते हैं रिफ्रेश मतलब क्या होता है ना, कि आप लैपटॉप को ताज़ा कर रहे हैं, मतलब जैसे हम चाय पी के अपने मूड को रिफ्रेश करते हैं उसी प्रकार से लैपटॉप को भी फंक्शन की के साथ में F5 प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश हो गया ये। देखिए इस तरीके से आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से आप F1 से लेकर के F5 तक आपने इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पक्का अच्छा लग रहा होगा। F6 के बारे में, F6 जो दिया हुआ कैसे यूज़ करते हैं इसका, F6 को मान लीजिए आपने जो है कुछ यहाँ काम करना, आपको जो है ये टचपैड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो देखिए ये फंक्शन की दिया, फंक्शन के साथ में हमने F6 को प्रेस किया, यहाँ पे मैं क्लिक किया उसके बाद F6 को हमने ऐसे प्रेस किया, देखिए हमारा जो है ना देखिएगा ये जो है ना F6 जो है हम सेलेक्ट करने के लिए इसको ऐसे करते हैं कि हम किसी चीज़ को सेलेक्ट कर ले। देखिए F6 का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये फंक्शन की है और इसको हमने प्रेस किया, देखिए ये लिया और F6 को हमने प्रेस कर दिया, आप देखिए देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है लाइट ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहा है ना ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब लाइट ब्लिंक किया हुआ है, देखिए ये हमने इसको प्रेस किया जैसे देखिए ब्लिंक कर रहा है ये, मतलब सेलेक्ट हो गया ये। सेलेक्ट होने के बाद में अब इसे अप डाउन से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम टैब प्रेस कर देंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया, इसके माध्यम से हम जो है यहाँ से इसको टैप से ऐसे चेंज करेंगे, देखिए सेलेक्ट हो जा रहा है। इसमें हम टचपैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये करके इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको F1 से लेकर F6 के बारे में बता दिया है बेसिक डिटेल, और मुझे लगता है पूरा वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो पक्का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और आप भी फंक्शन के बारे में किसी को बता सकते हैं और फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है। वीडियो बना के दिखा दिया आपको हमने, वीडियो पसंद आपको आया तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, F7 से लेके F12 तक आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, उसके अंदर बताएंगे आपको F7 से लेके F12 के बारे में दोस्तों। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते, नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिएगा, चलिए।